क्या राहुल गांधी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाती हैं? राहुल गांधी कितने प्रतिशत सच और कितने प्रतिशत झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री पर राहुल की लाइन कितनी सही है? हमने मार्च से अगस्त तक राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन चेक की। मार्च में लॉकडाउन होते ही राहुल इकॉनमी मंदी मंदी चिल्ला रहे थे। अब जबकि इकॉनमी पटरी पर लौटने लगी है तो राहुल ने ट्रैक बदल लिया है। राहुल ने मोदी पर अटैक के लिए अब नया शब्द तलाशा है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित और व्यवस्था। असंगठित जो असंगठित लोग, असंगठित और व्यवस्था, असंगठित लोग। राहुल बार बार इसी असंगठित क्षेत्र का नाम लेते हैं और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं। पिछले 15 दिनों की राहुल गांधी की टाइमलाइन में बार बार इसी असंगठित क्षेत्र का जिक्र आता है। राहुल का आरोप है कि लॉकडाउन के कारण असंगठित क्षेत्र में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं और उनका भविष्य अंधेरे में है। ये तो रही राहुल की बात, अब हकीकत जानते हैं। हमने लेबर मिनिस्ट्री के डेटा देखे, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा चेक किए, ईपीएफओ और एनएसएसओ की वेबसाइट को खंगाला। असंगठित क्षेत्र भारत में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ राहुल 100% करेक्ट हैं। लॉकडाउन के कारण रोजगार कम हुआ है, इसमें भी राहुल सही हैं। लेकिन 2 करोड़ नौकरियां जाने का राहुल का दावा 100% गलत है। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जाने के बारे में ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। गरीब मजदूरों, छोटे दुकानदारों, यहां तक कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी मोदी सरकार पहले दिन से लगी है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज तैयार किया, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी असंगठित क्षेत्र को दिया गया। राहुल की याददाश्त अगर दुरुस्त ना हो तो हम याद दिला देते हैं। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का बजट, श्रमिकों को उन्हीं के गांव या शहर में रोजगार, न्यूनतम मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए, एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन, मुद्रा शिशु लोन का विस्तार, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए का लोन। मोदी सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हकीकत में चल रही है।